अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने काफ़ी सारे एयरड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन आप सब जो है हमारी कम्युनिटी है वो परेशान हो रही है कि मतलब कि इतने सारे एयरड्रॉप्स हमने पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च नहीं हो रहे हैं। कब लॉन्च होंगे, कितना प्रॉफिट देंगे, कब उनकी जो है TG एक्सपेक्टेड है, यानी कि टोकन जनरेशन इवेंट जब वो लिस्ट होंगे। तो मैंने जो है जितने भी अभी तक हमने इस साल 2024 के अंदर जितने भी मई तक अभी हमने जितने भी एयरड्रॉप्स ज्वाइन कर लिए हैं, उन सब की मैं ये छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जो टोकन है वो लिस्ट होने जा रहा है। अगर कोई नया टास्क आया है तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी हमने एयरड्रॉप ज्वाइन किए हैं उन सब की आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डॉप टेस्ट नेट की। मैंने आप लोगों को ज्वाइन करवाया था, ठीक है, उसके हमें टोकन जो है मिल चुके हैं, हमने क्लेम कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने क्लेम नहीं किए तो 31 मई तक जो है लास्ट डेट है, आप लोग जो है डॉप को क्लेम कर लें। उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है क्लेम किस तरह करना है, चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग देख लें। जो जिन्होंने टेस्ट नेट पर पार्टिसिपेट किया था वो क्लेम कर लें, और इसी तरह जिन्होंने गैलेक्सी के अंदर पार्टिसिपेट किया था डॉप टेस्ट को, उनको NFTs मिली हैं, और वो NFTs आप लोग चाहें तो मैजिक ईडन के ऊपर सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर आप उनको होल्ड करते हैं तो डॉप का जो मेन नेट जब लॉन्च होगा तो उसका भी उन्होंने एक एयर ड्रॉप रखा हुआ है, और वो जब एयर ड्रॉप आप लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे मेन नेट वाले एयर ड्रॉप के अंदर, तो वहाँ पर जिनके पास NFTs होंगी उनको अलग से मल्टीप्लायर मिलेगा, ठीक है, NFTs की वर्थ के हिसाब से उनको वहाँ पर मल्टीप्लायर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग वो NFTs सेल करना चाहते हैं तो मैजिक ईडन के ऊपर सेल कर सकते हैं। लिस्टिंग की अगर बात करें तो लिस्टिंग हमें डॉप की यहाँ पर मई या जून के अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने Q2 2024 का कहा हुआ है कि हम लोगों ने Q2 के अंदर लिस्ट करना है अपना टोकन। तो Q2 में 3 महीने आते हैं, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल गुजर चुका है, मई हाफ हो चुका है, तो मई से जून के अंदर हम लोग जो है लिस्टिंग उसकी देख सकते हैं। उसके बाद नयान हीरोज़ का हमने एयर ड्रॉप ज्वाइन किया था, नयान हीरोज़ की लिस्टिंग जो है वो मई के अंदर एक्सपेक्टेड है, और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था ठीक है, आप लोग ने सारे स्टेप्स कम्प्लीट कर लिए थे। अब उनका एक नया टास्क है कैटनिप का। अगर आप लोग नयान हीरोज़ की वेबसाइट पर जाएँ तो आप लोग ने क्या करना है कि वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को एक कैटनिप का एक जो है टास्क आ रहा है, तो वो काफ़ी सारे उसके भी उस तरह ही पॉइंट्स हैं जिस तरह हमने पहले न्यू टोकन रन किए थे वहाँ पर, अब कैटनिप हमने वहाँ पर रन करने हैं। तो वहाँ पर जो फ्री वाले हैं वो तो आप लोग एक दो ही सिर्फ ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि बाकी सारे जितने भी हैं वो उनकी NFT से रिलेटेड है। अगर आप लोग ने वो NFTs होल्ड की होंगी तो वो बाकी सारे पॉइंट्स आप क्लेम कर सकेंगे, लेकिन एक दो जो पॉइंट्स हैं शुरू शुरू वाले वो कोई फॉलो रीट्वीट वगैरह इस तरह करने के पे हैं, तो वो आप लोग जो कैटनिप पॉइंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। बाकी जो आप लोगों ने न्यू टोकन वहाँ पर अर्न किए हुए नयान के, वो आप लोग को लिस्टिंग के दौरान जो है मिल जाएंगे, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम में मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। और टेलीग्राम हमारे चैनल का लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग से कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो जाए। इसी तरह जो इस टाइम अभी रनिंग एयर ड्रॉप्स हैं उनकी भी मैं लिस्ट एक नीचे बना दूंगा, सारे एयर ड्रॉप्स की नहीं, सिर्फ उनकी जो इस टाइम अभी रनिंग में हैं, जिनको आप लोग जो नए यूजर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो लोग भी उसको जो है ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तमाम लिस्ट जो है मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बिटगेट BWB का एयर ड्रॉप हमने ज्वाइन किया था। अब जो बिटगेट का है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया एयर ड्रॉप, और कंप्लीट भी हो चुका है, और उन्होंने वहाँ पर हमें टोकन कन्वर्जन का भी बता दिया कि जिनके 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको 1 BWB टोकन जो है मिलेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर BWB पॉइंट्स अर्न किए थे, और अब पॉइंट्स से हमें जो है टोकन में कन्वर्ट करना है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया निकाला है कि ये सपोज करें कि अगर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं तो आपको 1 टोकन मिलेगा, तो उसके हिसाब से जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना 4 पे, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि आप लोगों को कितने BWB टोकन्स जो हैं वो अलॉट होंगे जब ये लिस्ट होगा। और 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसकी भी लिस्टिंग वगैरह हो जाएगी, टोकन्स आप लोगों के वॉलेट में आ जाएंगे, आप उसको सेल करके जो है प्रॉफिट अपना यहाँ पर बुक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बोंडेक्स की। बोंडेक्स की मैंने भी कल या परसों वीडियो अपलोड की है कि उन्होंने एयर ड्रॉप, हम तो 3-4 सालों से उसके ऊपर माइनिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो है उनका एयर ड्रॉप Season 1 उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, और आप लोगों ने क्या करना है अपनी एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ जाके जो मैंने स्टेप्स बताए हैं लास्ट वीडियो में बोंडेक्स वाली में वो आपने कंप्लीट करने हैं, और ज्वाइन एयर ड्रॉप वहाँ से आप लोगों ने कर लेना है। जो भी उसके टास्क वगैरह हैं, 3 टास्क हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, वीडियो आप लोग देख लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो 3 टास्क आप लोगों ने किस तरह कंप्लीट करने हैं। और जून के अंदर जो है लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है बोंडेक्स की, और बोंडेक्स की जो प्राइस थी प्री सेल के अंदर क्वीन लिस्ट पे वो $0.08 थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $0.5 से $0.8 तक प्राइस आ सकती है बोंडेक्स की। इसी तरह बात करते हैं मांटा रीन्यू पैराडिजम के ऊपर, जो मैंने आप लोगों को बताया था स्टेकिंग हम लोग ने करनी है, जिन्होंने उसको ज्वाइन किया था तो वो हमारे पास जो हमने वहाँ पर अपने स्टोन लॉक किए थे वो 19 मई को जो है आप लोगों के अनलॉक हो जाएंगे। आप उसको वहाँ से निकलवा के क्विक स्वैप पे जो है उसको सेल करके अपने इथेरियम में, और इथेरियम अपने जो है बाइनेंस में आप लोग वापस ला सकते हैं। और जो आप लोगों को एयर ड्रॉप है वहाँ पर आप लोगों को जो है एक स्टोन पॉइंट्स मिले थे, एमस्टोन पॉइंट्स, वो भी आप लोगों को अभी वहाँ पर अवेलेबल हैं, क्लेम हो जाएंगे। उसके बाद आईजन लेयर के पॉइंट्स आप लोगों को मिलने थे, वो अभी तक कमिंग सून है, वो भी आप लोगों को बताएंगे कब जो है
वो आपको मिलेंगे पॉइंट्स उसके। बाकी जिस जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने स्टेकिंग की थी वहाँ पर उसके जिस तरह एयर ड्रॉप अनाउंस होता रहेगा आप लोग को वहाँ पर जो है एयर ड्रॉप वो मिलता जाएगा। आप वो वेबसाइट उनकी मांटा की जो रीन्यू पैराडीज है उसको ओपन करके देख सकते हैं कि आप लोगों ने जो जिन्होंने ज्वाइन किया सिर्फ वही चेक करें कि वहाँ पर क्या यानी कि अभी चल रहा है। तो आप लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने स्टेकिंग की होगी उनका वो सारा आ रहा होगा कि कब उनकी स्नैपशॉट शुरू होनी है, कब उनका एयर ड्रॉप जो है अनाउंस होना है। इसी तरह बाइनेंस के ऊपर हमने दो जो वेब थ्री के एयर ड्रॉप्स हैं एक अल्टीवर्स का और LFT का वो ज्वाइन किया था। अल्टीवर्स जो है उसके हमें टोकन्स मिल चुके हैं लेकिन अभी तक हमें जो है वो हमारे वॉलेट में रिसीव नहीं हुए ना ही उसकी कोई अभी वैल्यू, क्योंकि वो अभी एक तक लिस्ट नहीं हुआ लेकिन उसके टोकन्स हमें जो है मिल चुके हैं। और इसी तरह LFT जो है लाइव फॉर्म वो आप लोगों को 15 मई को जो है लिस्ट होने जा रहा है। तो जिन्होंने बाइनेंस के ऊपर वेब थ्री पे वो पार्टिसिपेट किया था उनको टोकन्स मिल जाएंगे वहाँ पर। और साथ ही साथ बायबिट के ऊपर इस टाइम जो है लॉन्च पैड के ऊपर LFT का इवेंट भी चल रहा है लॉन्च पैड का। तो आप लोगों के बायबिट वॉलेट के अंदर आप लोगों ने 100 USDT होल्ड किए हुए हैं तो आप लोग अपने लॉन्च पैड वाले पेज पे जाएं बायबिट के ऊपर, वहाँ जाके रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर लें और 15 मई को जो है उसकी सेल स्टार्ट होगी तब आप लोग ने अपने USDT कमिट करने हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पर एलोकेशन मिल जाती है $10-15 की तो आप लोगों के वो इजीली 100 से $150 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है LFT की। ग्रास माइनिंग की अगर बात करें तो ग्रास का अब ईपोच 5 स्टार्ट हो चुका है जो 11 जून तक चलेगा। तो अभी आप लोगों के पास और चांस है, आप लोग जितनी ज़्यादा माइनिंग करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। जो न्यू यूज़र हैं उनको भी जो लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोगों ने भी जो यहाँ पर माइनिंग करते रहना है। प्रोजेक्ट अच्छा है, बाइनेंस भी 2-3 बार इससे रिलेटेड यानी कि ट्वीट कर चुका है तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी जो है जल्द जो है आ जाएगा मार्केट में, लॉन्च हो जाएगा और इसमें भी जो है हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। इसी तरह उससे अगला है अनदर वर्ल्ड का। अनदर वर्ल्ड का आप लोगों को पता था कि डेली बेसिस पर आप लोग जो भी टास्क वहाँ पर कर रहे थे क्विज के उसके ऊपर आप लोगों को या NFT मिल रही थी या टोकन मिल रहा था, तो वो अब आप सेल भी कर सकते हैं या उनको स्टेक कर सकते हैं क्योंकि AWM जो इनका टोकन है जो मिल रहा था वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो उसको आप लोग जो भी पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं जो भी टोकन्स मिल रहे हैं उनको आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप उन्होंने अपनी गेम भी लॉन्च कर दी है और अगर आप लोग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं आप लोग सेम उसी पेज पे जाएं जो मैंने ज्वाइन करवाया था आपको, वहाँ पर गेम डाउनलोड का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ अगर आप लोग गेम उनकी डाउनलोड करके खेलते हैं तो उस पर भी आप लोगों को यहाँ पर जो है टोकन्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पराम की। पराम गेमिंग का देखें कि एयर ड्रॉप जो है ट्विटर फार्मिंग थी वो उन्होंने क्लोज करवा दी थी लेकिन पराम को आप डेली बेसिस पर चेक करते रहा करें क्योंकि वहाँ पर जो उनके अपने टास्क हैं ट्विटर को यानी कि लाइक करना है, रीपोस्ट करना है, फॉलो करना है, इस तरह के जो भी टास्क हैं वो डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं और हर टास्क के 250, 300, 150 इतने पॉइंट्स होते हैं। तो वो आप लोग डेली बेसिस पर वहाँ पर चेक करते रहा करें और जो है उससे ये हो जाएगा कि आप लोग के पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी जो है इन्होंने अपना लाइट पेपर जो है यहाँ पर अनाउंस कर दिया है जिसके अंदर 2 बिलियन टोटल टोकन्स हैं इनकी सप्लाई जो है और उसमें से 1.1 बिलियन टोकन्स जो हैं वो कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं यानी कि 1.1 बिलियन टोकन्स, हाफ से ज़्यादा सप्लाई जो उनकी टोटल सप्लाई है उसमें से हाफ से ज़्यादा सप्लाई जो है वो एयर ड्रॉप फार्मर्स को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा एयर ड्रॉप होने जा रहा है। तो जिन्होंने पराम अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है वो डेली बेसिस पर जो भी उनके टास्क आ रहे हैं उनको करते रहे ताकि आप लोगों के पॉइंट्स जो इंक्रीज होते रहे। इसी तरह रेफरल भी लाजमी जितने हो सकते हैं बनाएं, जिस तरह मैंने आप लोगों को मल्टीपल फार्मिंग का कहा हुआ है तो आप लोग अपने अकाउंट्स भी वहाँ पर बना सकते हैं ताकि आप लोगों का जो एक मेन अकाउंट है वहाँ पर काफ़ी सारे रेफरेंस भी बन जाए और उसकी वजह से भी आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो जाए। उसके बाद हमने ज्वाइन किया था BEVM का जो एयर ड्रॉप हमने ज्वाइन किया था बाइनेंस के वेब थ्री वॉलेट के ऊपर, तो वो भी जो है ख़त्म हो चुका है। अब BEVM के टोकन्स आप लोगों को मिल गए होंगे, अगर आप उसी पेज पे जाके देखें BEVM वाले पेज पे तो उसके टोकन्स आप लोगों को मिल गए होंगे यानी कि पॉइंट्स जो मिले थे उसके कन्वर्जन के हिसाब से जो टोकन्स बनते थे वो आप लोगों को मिल गए होंगे। लेकिन BEVM लिस्ट होगा 1 अक्टूबर को, आई थिंक इसकी लिस्टिंग है और तब भी आप लोगों को जो है वो क्लेम के लिए अवेलेबल होंगे 1 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद बात करते हैं बबल की, इमेजिनरी वंस। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, लाजमी ज्वाइन कर लें क्योंकि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ है जो अब ज्वाइन कर रहे हैं टास्क सारों के लिए सेम है। जिस तरह पराम के अंदर डेली बेसिस पर टास्क आते हैं वो खत्म हो जाते हैं लेकिन बबल के ऊपर जो टास्क सारे एक ही बारी आए हुए हैं वही रहेंगे, ना उसके पहले कोई टास्क थे ना उसके बाद अभी आएंगे। ठीक है, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 14 मई को इसकी जो है लिस्टिंग है, 14 मई यानी कि आज से कोई 2-3 दिन बाद जो है 14 मई को लिस्टिंग है। बिटगेट के ऊपर भी, बायबिट के ऊपर भी, हो सकता है कुकॉइन के ऊपर भी लिस्ट हो जाए और यहाँ पर भी आप लोग को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है बबल पे। और यहाँ पर जो आप लोग ने एयर ड्रॉप के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप लोग के जो टोकन्स आपके बनते होंगे वो भी क्लेम के लिए अवेलेबल हो जाएंगे 14 मई को ही, यानी कि 14 मई को ही लिस्टिंग है बबल की और उसी दिन आप लोग के जो है आप लोग क्लेम करवा सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोग अपडेट जो है टेलीग्राम पे
प्रोवाइड कर दूंगा कि कब क्लेम इसका ओपन हुआ है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी अभी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं zoth.io की। अच्छा zoth.io पे आप लोग, मैंने जिस तरह बताया था कि डेली बेसिस पर आप लोग उस पर डिपॉजिट करते जाएं, विड्रॉ करते जाएं। अब मैंने एक चीज वहां पर देखी कि सिर्फ वहां पर डिपॉजिट करने के पॉइंट्स मिलते हैं, विड्रॉ करने के पॉइंट्स नहीं मिलते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक ही बारी अगर 10 Honey Token आप लोग वहां पर ले जाते हैं, जिस तरह मैंने तरीका बताया हुआ है वीडियो में कि आप लोगों ने, यानी कि किस तरह टेस्ट नेट के हनी टोकन आप लोगों ने लेने हैं जो हमने वहां पर डिपॉजिट करवाते हैं, तो एक बार 10 Token ले गए, उसके बाद फिर आप लोगों को बार बार उसको डिपॉजिट विड्रॉ करवाने की जरूरत नहीं है और ना ही आप लोगों को बार बार फॉसेट क्लेम करने की जरूरत है। बल्कि 10 आप लोगों को मिल गए ना, तो डेली बेसिस पर आप ये करें कि 0.01 या 0.1 हनी करके उसको डिपॉजिट करते जाएं। जितना ज्यादा डिपॉजिट करते जाएंगे 20-20 पॉइंट्स आप लोगों को हर डिपॉजिट के ऊपर मिलते जाएंगे। विड्रॉ बेशक आप उसको ना करें क्योंकि विड्रॉ के ऊपर कोई पॉइंट्स नहीं है। इसी तरह वहां पर एक और सोशल टास्क के अंदर आप लोग जाएंगे तो दो टास्क नए आए हैं, दोनों के ऊपर 1000 एक्सपी मिल रही है। एक टास्क तो है कि आप लोग उनकी NFT बाय करें और NFT उनकी काफ़ी कॉस्टली है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मैंने वो की है टास्क, खुद कंप्लीट की है। दूसरा जो टास्क है वो बहुत ही आसान है, उसके अंदर ये है कि आप लोगों के वॉलेट के अंदर यानी कि मेटामास्क वॉलेट के अंदर OM टोकन्स होने चाहिए जो कि यानी कि बाइनेंस पे भी अवेलेबल है मांत्रा के नाम से, MANTRA, और उसका टिकर है OM सिर्फ। अगर आप बाइनेंस पे सर्च करते हैं OMUSDT तो आपको मिल जाएगा, कोई $0.67 के राउंड अबाउट भी चल रहा है। वहां पर आप लोग अगर अपने वॉलेट में रखते हैं और उन्होंने कोई क्लासिफाई नहीं किया कि किस चेन के ऊपर, तो आप लोग किसी भी चेन के ऊपर रख सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि मेटामास्क में जाना है, वहां से बाइनेंस BNB की जो चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसका उसको आप लोगों ने ओपन करना है नेटवर्क को, उसका एड्रेस आप लोगों ने कॉपी करना है, बाइनेंस पे आना है। बाइनेंस पे आने के बाद आप लोगों ने जाना है कन्वर्ट वाले ऑप्शन में। कन्वर्ट वाले ऑप्शन में जाके आप लोगों ने 2 USDT के या 1.5 USDT के आप लोगों ने ओम टोकन बाय कर लेने। वो इस वजह से चाहें तो आप लोग तो 0.5 के भी वहां पर सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग बाइनेंस से सेंड कर रहे हैं तो बाइनेंस पे आई थिंक जो मिनिमम लिमिट है ओम टोकन सेंड करने की, विड्रॉ करने की, वो 1.8 है, तो वो तकरीबन बनेंगे $1.5 से $2 के। तो आपने $1.5 से $2 के वहां पर कन्वर्ट करवा लेना है USDT को ओम टोकन में, और उसको अपने मेटामास्क के बाइनेंस चेन वाले एड्रेस के ऊपर सेंड कर देना है उन ओम टोकन्स को। सेंड जब आप लोग वहां से कर देंगे बाइनेंस से, उसके बाद आप लोगों ने ज़ोथ पे जाना है, वहां जाके वेरीफाई का बटन आ रहा होगा उसके आगे, जहां पर लिखा हुआ था कि मांत्रा ओम टोकन्स आपके वॉलेट में होने चाहिए। तो जिस तरह आप वेरीफाई करेंगे 1000 XP आप लोगों को मिल जाएगी। जैसी 1000 XP आप लोगों को मिल जाए, दोबारा से बाइनेंस के ऊपर जाएं, ओम का BNB Web20 वाला जो एड्रेस है उसको कॉपी करें, मेटामास्क में जाके जो है दोबारा से सेंड कर दें अपने ओम टोकन्स बाइनेंस के ऊपर, यानी कि जो आपने बाइनेंस से मेटामास्क में सेंड किए थे वो दोबारा मेटामास्क के बाइनेंस पे सेंड करें। वो बाइनेंस पे जैसे ही रिसीव हो जाएंगे दोबारा से कन्वर्ट पे जाएं, ऊपर ओम रखें, नीचे USDT रखें, और उसको दोबारा से जो भी $1.5-$2 के आप लोगों ने सेंड किए थे उसको दोबारा से USDT के अंदर जो है कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर आपको 1000 XP मिल रही है जो कि अच्छा खासा आप लोगों को एडवांटेज दे सकती है, आप लोगों की रैंक अच्छी खासी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं बाउंस बिट की, जो कि हमने मेगा ड्रॉप बाइनेंस के ऊपर ज्वाइन किया था। तो बाउंस बिट जो है वो 13 मई को जो है लॉन्च होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर भी, बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर भी, तो वो भी जो हमें वहाँ से टोकन्स मिलेंगे वो हमें रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ZK लिंक नोवा भी 14-15 मई को आई थिंक उसने खत्म हो जाना है उसका भी, जो बाइनेंस के ऊपर हमने ज्वाइन किया था, और उसके फिर 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर हमें जो है टोकन्स रिसीव हो जाएंगे, और उन्हीं दिनों के अंदर जो है ZK लिंक की लिस्टिंग भी जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो वहाँ से भी हमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह होलोग्राफ का मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया हुआ है, करवाया हुआ है बाइनेंस के ऊपर ही Web3 वॉलेट का, तो उसकी भी कोई लिस्टिंग डेट कन्फर्म नहीं है, वो जैसे ही पता चलेगी मैं आप लोगों के साथ जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह हमने लेटेस्ट कुछ एयरड्रॉप ज्वाइन किए, जैसे कि प्लैनेट क्वेस्ट मैंने आप लोगों को ज्वाइन कराया है, और मैंने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी जितनी भी है वो जो भी एयरड्रॉप ज्वाइन कर रही है, प्लैनेट क्वेस्ट एयरड्रॉप बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया उनमें से। हालांकि प्लैनेट क्वेस्ट मैं समझता हूँ कि जितने भी मैंने एयरड्रॉप्स दिए हैं सबसे आसान काम जो है प्लैनेट क्वेस्ट के ऊपर आप लोगों ने करना है, और फंडिंग की अगर बात करें तो बहुत सारे हमने जो एयरड्रॉप्स ज्वाइन किए उनसे बहुत अच्छी फंडिंग है यहाँ पर प्लैनेट क्वेस्ट की। ठीक है, और काम भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप लोग उसमें लाजमी इंटरेस्ट लें, जो डेली बेसिस की आप लोगों को ट्वीट्स मिलती हैं उसके साथ इंटरेक्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, वहाँ पर रिप्लाई करें, वहाँ पर जो है जो तरीका आप लोगों को बताया हुआ रिप्लाई करने का उस तरह रिप्लाई करें, एक दूसरे के जो कमेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा जो है रिवार्ड मिल सकता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगा कि मल्टीपल अकाउंट से आप लोग जो है इसको ज्वाइन करें। उसके बाद बात करते हैं जो लेटेस्ट मैंने एक और आप लोगों के साथ एयरड्रॉप शेयर किया है मिंट चेन का, तो मिंट चेन को भी जो है ज्वाइन कर लें, बहुत ईजी टास्क है। डेली बेसिस पर आप लोगों ने वहाँ से जो है पॉइंट्स क्लेम करने हैं और उनको जो है इंजेक्ट करवा देना है, तो बहुत ही 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। इसी तरह प्ले नेशन का एयरड्रॉप हमने ज्वाइन किया था जो कि टेलीग्राम के ऊपर था,
तो वो भी बहुत ज्यादा आसान काम है, गेम खेलनी है और उसके ऊपर हमें जो है यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर ले। बाकी जो न्यू एयरड्रॉप्स होंगे वो आप जो है आते रहेंगे, और कोशिश किया करें कि हर एयरड्रॉप में अंदर पार्टिसिपेट करें, खासतौर पर जिनकी फंडिंग अच्छी हो या जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो। तो अभी मैंने एक और एयरड्रॉप की भी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो कल या परसों तक आप लोगों को जो है मिल जाएगी, 25 से 30 मिनट की वीडियो है, ठीक है, लेकिन वो एयरड्रॉप कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, सही है, इसलिए आप लोगों ने वो वीडियो भी पूरी देखनी है, उसको ज्वाइन भी लाजमी करना है, क्योंकि जैसे मैं बताता होता हूँ कि जो कॉम्प्लिकेटेड एयरड्रॉप्स होते हैं वो कम यूजर ज्वाइन करते हैं, सिर्फ वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनको ब्लॉकचेन का और क्रिप्टो का नॉलेज होता है अच्छी तरह। तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप मैं सारा समझाऊंगा कैसे आप लोग ने ज्वाइन करना है, वो लाजमी ज्वाइन करिएगा, और बाकी भी जितने भी रनिंग में एयर ड्रॉप्स हैं उनकी लिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनमें भी लाजमी ज्वाइन करें। और मैंने सोचा कि हमने अभी तक जितने एयर ड्रॉप्स में ज्वाइन किए मैं उनकी आपको एक अपडेट दे दूँ कि कौन से इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने के करीब हैं, कौन से इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर हमने पार्टिसिपेट किया, उनका कोई एक नया टास्क आया हुआ है तो वो आप लोगों ने किस तरह कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग से मिस ना हो जाए। मिलता हूँ इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।